मेरा मीन हमेशा कॉन्सेप्ट में आएगा नॉन जीरो टर्म में, इज इट क्लियर। तीसरा मीन वाला भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, मींस मीन को हम टेस्टिंग में भी यूज करते हैं, अलग स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज करते हैं, डिस्पर्शन में यूज करते हैं। तो मीन एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू है जिसको आप दूसरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक में यूज या फॉलो करते हो। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट हम कर रहे हैं मीडियन। नेक्स्ट लिखिए, देखो मैंने ये बोला बेटा, अगर सारी ऑब्जर्वेशन जीरो है तो ही मीन क्या होगा? जीरो। अगर कोई भी एक नॉन जीरो टर्म आ जाता है तो मीन कभी भी नॉन जीरो नहीं रहेगा। जीरो लाने के लिए आपको क्या चाहिए? सारी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए? जीरो। समझ में आया? ठीक है। और मैंने ये भी बोला मीन फ्लक्चुएट करता है, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ डेटा। मीन्स अगर किसी ऑब्जर्वेशन में आप कोई संख्या बढ़ा दो या कोई संख्या घटा दो तो मीन सेम रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा। मीन्स पहले मेरे पास पांच ऑब्जर्वेशन थी, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मीन कितना है? 3। इसका मीन कितना है? 3। ध्यान से सुनना। बट अगर मैंने यहाँ पे घटा दिया तो अब इसका मीन चेंज होगा, कितना होगा? 3.5। कितना रहेगा? 3.5। सभी को समझ में आया? यहाँ पे बढ़ा दिया तो चेंज हो गया। तो मैंने यही बोला अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन हम घटाते हैं बढ़ाते हैं, इस केस में इसका मीन है 3। क्लियर? इस केस में मैंने हटाया तो इसका मीन क्या हुआ? 3.5। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन घटेगी या बढ़ेगी तो उसका मीन क्या होगा? चेंज होगा।